हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पारुल और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि रुजुता दिवेकर मैम की डाइट प्लान को फॉलो करते वक्त डे 31 और डे 32 पे मैंने क्या क्या लिया था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डे 31 की। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने प्लेन पानी ही पिया था रूम टेम्परेचर का। फिर इसके बाद मैंने अपने सोक नट्स लिए थे, जिसमें मैंने 5 सोक आलमंड्स और 7 to 8 ब्लैक सोक रेजन्स ली थी। फिर इसके बाद अपना घर का काम वगैरह ख़त्म करने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया था और उसे मैंने अपने ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट लिया था, जिसको मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस और केचप के साथ खाया था। इसके साथ मैंने एक कप चाय भी ली थी और मैं अपनी चाय में 1/2 टीस्पून शुगर भी ऐड करती हूँ, क्योंकि उस दिन मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी। तो मैंने 12:30 के अराउंड अपना मिड मॉर्निंग स्नैक भी लिया था। वैसे नॉर्मली मैं इसको स्किप कर देती हूँ और उसे मैंने उसमें एक बनाना लिया था। उसे मैंने मिड मॉर्निंग स्नैक लिया था, इसलिए मुझे लंच में ज़्यादा भूख नहीं थी। तो मैंने उस दिन अपने लंच में रोटी स्किप कर दी थी, मैंने सिर्फ थोड़ी सी सब्जी और बीटरूट का रायता लिया था। फिर इसके बाद मैंने अपना इवनिंग स्नैक लिया था सेम टाइमिंग पे अराउंड 4:30, जिसमें मैंने सेम ही चीज़ ली थी जो कि थी कॉफ़ी। फिर इसके बाद मैंने अपना डिनर लिया था, तो मैं थोड़ी सी बिजी थी क्योंकि उस दिन छोटी दिवाली थी, मैं कुछ ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाई थी, मैं मार्केट भी गई थी, तो इसलिए मैंने सिंपल सा डिनर बनाया था जिसमें मैंने 2 कबाब रोल्स लिए थे। मैं क्या करती हूँ, मैं कबाब को घर में ही कुक कर लेती हूँ, फिर 2 व्हीट फ्लावर की रोटी बना लेती हूँ और उसमें मैं कभी ग्रीन चटनी स्प्रेड कर देती हूँ अंदर, या फिर कभी कभी मैं उसमें हंकड़ की कोई डिप बनाकर भी उसके अंदर स्प्रेड कर देती हूँ। तो ये बाज़ार से थोड़ा सा हेल्दी बन जाते हैं क्योंकि उसमें मेयोनीज वगैरह होती है, तो इसलिए मैं इसको घर पे कुक कर लेती हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे भी मैंने वही लिया था। सबसे पहले मैंने प्लेन पानी पिया था, फिर मैंने सोग नट्स लिए थे जो कि सेम थे 5 सोग आलमंड्स विदाउट पील और उसके साथ 7 to 8 ब्लैक सोग रेजन्स। उस दिन क्योंकि दिवाली थी तो ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट हो गया था, मैंने 11 o'clock के अराउंड अपना ब्रेकफास्ट लिया था और उसे मैंने अपने ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे लिए थे। इसको मैंने आधी कटोरी दही के साथ लिया था और मैंने 1.5 पराठा लिया था। क्योंकि दिवाली थी तो घर का सारा काम वगैरह ख़त्म करने में बहुत लेट हो गई थी और काफ़ी थक भी गई थी, तो मैं उस दिन लंच प्रिपेयर नहीं कर पाई थी, तो मैंने अपना लंच बाहर से ऑर्डर किया था, जिसे मैंने छोले और कुलचे लिए थे। मैंने 1.5 कुलचा लिया था, लेकिन छोले मैंने उस दिन काफ़ी कम लिए थे, पहले ही मैंने बहुत कम सर्व किए थे, लेकिन मैं उनको भी पूरा नहीं खा पाई थी क्योंकि वो बहुत स्पाइसी थे, तो मैंने छोले बहुत कम लिए थे। हाँ, मैंने कुलचा 1.5 लिया था और इसको मैंने बटर में सेका था। फिर इसके बाद मैंने अपने इवनिंग स्नैक में सेम कॉफ़ी ली थी, लेकिन उस दिन जल्दबाजी के चक्कर में मैं अपनी कॉफ़ी की क्लिप लेना भूल गई थी। फिर मैंने अपना डिनर लिया था उस दिन 9 o'clock के अराउंड, जिसे मैंने घर पे पाव भाजी बना के खाई थी। और मैं अपनी भाजी को जितना हो सके उसे हेल्दी रखने की कोशिश करती हूँ, उसमें जितनी भी वेजिटेबल्स जो हेल्दी होती हैं मैं उसमें वो तो ऐड करती ही हूँ, साथ में मैं उसको बहुत कम घी में बनाती हूँ और फिर मैं उसमें एक्स्ट्रा कोई बटर वगैरह भी कुछ ऐड नहीं करती हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।